हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है मंडे और मुझे जाना था पहले स्कूल। पहले क्या, मुझे जाना था स्कूल क्योंकि 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज मंडे, तो मुझे स्कूल जाना था। लेकिन वैभव ने मुझे रात को ही कह दिया था कि मम्मी प्लीज़ कल आप छुट्टी ले लेना। 3 hours later फिलहाल छत पे मौसम हो रहा है बहुत ही ठंडा ठंडा सा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। वाओ, क्योंकि गर्मी जब आ गई थी ना, मुझे तो घबराहट होने लगती है गर्मी। मेरा मन था कि ये गर्मी वापस ठंडी में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, थोड़ी ठंडी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज मंडे, मैंने आज स्कूल की छुट्टी ले ली थी क्योंकि मैंने कल तक कुछ नहीं सोचा था छुट्टी के बारे में। लेकिन अचानक ही सुबह सडनली मुझे लगा कि नहीं, वैभव की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि मम्मी और आज आप छुट्टी ले लो, मेरे साथ रुको। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वैभव के साथ रुकूंगी। तो आज हम दिखा के लाए वैभव को वापस से डॉक्टर के पास। री चेकअप के लिए गए थे एक्चुअली, 3 दिनों की दवाई के बाद आज मंडे को बुलाया था वापस डॉक्टर ने। तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि जैसे टाइफाइड वैभव को हुआ था, हुआ है मतलब, तो उन्होंने ये कहा कि फ़िलहाल जो फीवर आ रहा है, रात में उसको फीवर आ जा रहा है, दिन में भी आ जा रहा है दवाई देने के बावजूद भी। तो उन्होंने कहा ये जो टाइफाइड होता है तो इसमें फ़ीवर आना ही आना होता है, इसको रिकवर होने में अभी 1 से 2 हफ्ता लगेगा। तो 24 घंटे में 1 या 2 बार बुखार आएगा ही आएगा, तो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल उन्होंने फ्राइडे तक की फिर मेडिसिन दे रखी है और फ्राइडे को फिर बुला रखा है दोबारा दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हुई हूँ कपड़े लेने के लिए छत पे। ये कपड़े मैंने डाल रखे थे जो कि बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। अब ये फिर से ठंडे ठंडे हो जाएं, गीले गीले से हो जाएं, उससे पहले मुझे इनको उठा देना चाहिए। और मैं नीचे किचन में रख के आ रखी हूँ चाय बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उठाते हैं फटाफट से कपड़े और फिर मिलते हैं उसके बाद आप लोगों से। तो दोस्तों, चाय भी बन चुकी है साथ में, बस इसमें अब रह गया दूध डालना। बाकी मैंने अदरक उबालने को मैं रख के गई थी और साथ ही साथ मैंने रात के लिए सब्जी भी काट दी है फटाफट से, क्योंकि वैभव को भिंडी पसंद है। लेकिन उसको भूख तो नहीं लगी, फिर भी उसने बोला मम्मी अगर आप भिंडी की सब्जी बनाओगे तो मैं एक रोटी खाऊंगा। चलिए देखते हैं। लेकिन मैंने सब्जी काट दी है, साथ ही साथ लहसुन भी छील ली। और ये क्या, ये लेंगे हम चाय के साथ मिठाई। एक्चुअली हमारे घर पे आए हुए थे मेहमान और वो लेकर के आए थे मिठाई। तो अब इसको मैं और मेरे पति परमेश्वर के अलावा और कोई खा नहीं रहा है, क्योंकि वैभव की तबीयत ठीक होगी तो वो खाता। तो हम लेंगे चाय के साथ एक एक पीस मिठाई। आ गया टहल के हैं मेरा लड्डू गोपाल, पापा के साथ थोड़ा टहल के आ गया। नहीं हुई हिम्मत टहलने की ज़्यादा हैं? तो मेरे लड्डू गोपाल के लिए लाल लाल दाने अनार के। वैभव तो कह रहा सफ़ेद दाने नहीं खाने हैं, बस लाल लाल दाने लाओ कह रहा है। तो मैंने फ्रेंड्स इसमें ना मैंने थोड़ा थोड़ा एक चुटकी नमक डाल दिया है, ताकि एकदम से ठंडा ना हो, मतलब नमक डाल के थोड़ा गर्माहट आ जाती है हर चीज़ में। लीजिए, वो कैसे मुंह कवर करके बैठा हुआ है, पीछे ना तकिया लगा। दे दो, ले पकड़ इनको। The next day. हेलो दोस्तों, तो हो चुकी है अगले दिन की दोपहर और मैं जस्ट अभी स्कूल से आ ही रही हूँ घर पे। तो पता है आज सुबह भी वैभव जाते टाइम में मुझे कह रहा था कि मम्मी छुट्टी ले लो, छुट्टी ले लो। तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया, मैंने कहा भी तेरे पापा हैं तेरे साथ में, तो छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद अगर पापा गाज़ियाबाद जाएंगे तो फिर मैं 1-2 दिन की छुट्टी ले लूँगी, जब तक सही से ठीक नहीं होता है। तो अभी घर आ करके मैंने पी ली है चाय और मैं लेकर के आई वैभव के लिए नारियल पानी स्कूल से आते टाइम ही। सुबह ही ऑर्डर दे दिया था मुझे उसने कि मम्मी जब जा रहे हो तो मेरे लिए नारियल पानी लेकर के आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिलहाल नारियल पानी रख दिया है फ्रिज में थोड़ा सा, मतलब क्योंकि वो बहुत धूप गर्मी बहुत है बाहर, तो उसकी वजह से बहुत गर्म हो रखे थे, तो हल्का सा ठंडा, क्योंकि उसको ठंडी चीज़ें भी नहीं देनी है, तो हल्का ठंडा करने के लिए रखा हुआ है, फिर दे दूँगी उसको। और फिलहाल मैं बना रही हूँ अपने लिए और शेखर के लिए। क्या बना रही हूँ वैसे? मैंगो शेक। तो हम बना रहे हैं फिलहाल मैंगो शेक, तो फटाफट से बनाते हैं मैंगो शेक और उसके बाद चेस करते हैं।
तो फ्रेंड्स, मस्त एकदम मैंगो शेक पीने के बाद मैं और मेरा बबना लेट गए हैं, जो कि मेरा बबना कर रहा था मेरा बेसब्री से इंतजार, कह रहा है मम्मी कल भी स्कूल जाओगे, पापा तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे, वो तो अपने काम में बिजी थे। मैंने कहा ऐसे में बात करने का कहाँ मन करता, तेरा मन भी तो सोने का कर रहा होगा। तो ये मेरा लड्डू गोपाल हो गया बहुत सुस्त, लेकिन पहले से थोड़ा लग रहा है इम्प्रूवमेंट जरा जरा सा। अभी डॉक्टर कह रहे थे 1 से 1.5 हफ्ता लगेगा अभी ठीक होने में। तो दोस्तों थोड़ा देर कर लेते हैं रेस्ट और उसके बाद बनाऊंगी मैं रोटी, क्योंकि अभी ना वो मैंगो शेक पी करके शेखर भी कह रहे हैं कि अभी पेट भर गया है, तो 1 घंटे बाद बनाएंगे हम रोटी, तब तक मैं अभी रेस्ट कर लेती हूँ।